अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा था पहले की वीडियो में कि इसका जो पंप में जो है प्रॉब्लम था, पानी वगैरह गया हुआ था, तो इसका जो पार्ट्स है ये आप देख पा रहे हो वीडियो में, इसको हमने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पंप को असेंबल कैसे करना है आपको, और बाकी इसको हम लोग सिम्युलेटर से टेस्ट कैसे करेंगे और इसकी रीडिंग वगैरह आपको कैसे लेनी है, तो उसके लिए जो है आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा इसका शाफ्ट जो है, इसको हम लोग लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हो वीडियो में, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। चलिए हम देखते हैं कि इसको जो है पंप के अंदर आपको कैसे लगाना है। तो ये रहा इसका शाफ्ट, ये इसको आपको ऐसे डालना है इसके अंदर। अब जो है इसको लगाने के बाद हम जो है इसके ऊपर स्क्रू जो है उसको टाइट कर लेते हैं। तो ये रहा इसके स्क्रू, तो जल्दी से इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो स्क्रू जो है वो हमारा टाइट हो चुका है। अब हम लोग लगाएंगे इसका सप्लाई पंप। ये आप देख सकते हो इसमें जो है सप्लाई पंप में दो डॉट बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले तो आपका ये जो है ये आपको ऐसे इसके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद ये जो दो गियर है, दो जो आप डॉट देख पा रहे थे वो जो है नीचे की पोर्शन की ओर लगेगा, और ये ऊपर से इसका कवर जो है इसको हम लोग लगा देंगे। ये आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे लगेगा। इसको लगाने के बाद इसका भी जो स्क्रू है उसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि इसका जो प्लंजर है उसे आपको कैसे चेक करना है कि प्लंजर ओके है या फिर नहीं है, और उसको आपको पंप में कैसे फिट करना है। उससे पहले ये रहा इसका प्रेशर कंट्रोल वाल्व, जो कि काफ़ी बार जो है फंस जाता है, जिसके वजह से भी पंप में जो प्रेशर वो सही नहीं बन पाता है। तो ये हमारा क्लीन है, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो सप्लाई पंप लगाने के बाद जो है वो आपका सेफ्ट जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, यानी कि आराम से जो है रोटेट होना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई पंप जो है सक्शन कर रहा है, ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये आप देखो इसकी जो साउंड है उसी से आपको पता चल जाएगा कि सप्लाई पंप जो है वो आपका काम कर रहा है। ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो इधर से फ्यूल जो है वो आ रहा है। अब आते हैं हम लोग प्लंजर की ओर। ये आप देख सकते हो प्लंजर जो है इसको हमने क्लीन कर दिया है, और ये आपको कुछ इस तरीके से चेक करना है, और ये हमारा काम कर रहा है। तो इस पंप में जो है पानी चला गया था, जिस वजह से प्लंजर में जो है काफ़ी अंदर में रस्टिंग हो गया था। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर जो है एक बॉल रहता है और एक स्प्रिंग रहता है। तो इस प्लंजर को जो है हमने WD-40 की मदद से जो है वो इसको क्लीन किया है। वो स्प्रे की मदद से जो है रस्टिंग जो है काफ़ी ईजिली जो है वो निकल जाता है। उसके मदद से क्लीन करने से ही ये प्लंजर जो है दोबारा हमारा वर्क करने लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लंजर को जो है वो आपको कैसे लगाना है। ये वाला जो पोर्शन देख पा रहे हो ये इस साइड में लगेगा। ऐसे ही आपको तीनों जो प्लंजर है उसको आपको लगा देना। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 1 जो है वो नहीं देखी है, तो उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और WD-40 जो है उसका परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसको परचेज कर सकते हो। तो तीनों जो प्लंजर है इसको हम लोग लगा लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि इस पंप को आपको चेक कैसे करना है। तो ये हमारा तीनों जो प्लंजर है आप देख सकते हो ये हमने ऑलरेडी लगा दिया है। अब बारी जो आती है इसके स्विच की आती है। तो इसके जो स्विच है इसको भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गया हुआ था पंप में, तो स्विच में भी जो है अंदर में रस्टिंग हो गई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ स्विच को खोल करके। तो इसको खोलने के लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हो ये जो स्विच है इसको कुछ इस तरीके से आपको खोलना है। तो ये आप देख सकते हो स्विच जो है हमारा खुल चुका है। ये आप देखो इसके अंदर भी जो है रस्टिंग हो गई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो स्विच है इसको अगर आप जब तक क्लीन नहीं करोगे तो ये जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग जल्दी से क्लीन कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका जो स्विच है उसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं WD-40 की मदद से, ताकि इसका जो रस्टिंग है वो ईजिली निकल जाए। तो इसका जो स्विच है वो क्लीन हो चुका है। मैं आपको इसका साउंड भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको साउंड कैसा आएगा। ये आप देख सकते हो क्लीन होने के बाद कुछ इस तरीके से साउंड इसमें आएगा।
तो अब जो है, अब इसका जो स्विच है इसको हम लोग पंप में लगा लेते हैं और फिर जो है इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि पंप जो है वो हमारा ओके हुआ या फिर नहीं हुआ, प्लंजर जो है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो इससे पहले वीडियो में इसमें जो है फ्यूल जो है वो नहीं आ रहा था, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फ्यूल जो है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अभी आप देख पा रहे हो इसमें जो फ्यूल है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिम्युलेटर में इसके बी रेगुलेटर को 40% पे करते हैं और देखते हैं फ्यूल जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमने इसको 40% पे कर दिया, ये आप देख सकते हो फ्यूल जो है वो अब आने लगा है। तो अब जो है अब हम लोग इसमें पाइप्स वगैरह लगा लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि पंप जो है वो हमारा प्रेशर बना रहा है या नहीं बना रहा। तो जल्दी से इसमें जो पाइप है उसको हम लोग लगा लेते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं। तो पाइप जो है वो हमारा लग चुका है और ये आप देख सकते हो कि इसमें जो है हमने 1200 बार का प्रेशर जो है वो इसमें बना दिया है। अब देखते हैं हम लोग कि प्रेशर जो है इसमें बिल्डअप हो रहा या नहीं हो रहा। तो ये देखो आप, इसमें जो है धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो गया है। ये अभी 600 700, तो ये आप देखो इसमें जो है 1200 के आसपास प्रेशर जो है वो अब बन गया हमारा। तो अब जो है अब हम लोग इंजेक्टर को भी ऑन कर देते हैं। ये अभी जो है ऑफ पोजीशन पे है, ये हमने इसको ऑन कर दिया तो प्रेशर जो है वो हमारा 1200 के आसपास बन गया है। और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो रीडिंग है पंप की वो आपको कैसे चेक करनी। तो ये रहा हमारा पंप, प्रेशर जो हमने बना दिया है, आरपीएम आप देख सकते हो 300 के आसपास आरपीएम है। तो इसको जो है हम लोग धीरे धीरे 150 to 100 के आसपास लेके जाएंगे और देखेंगे कि प्रेशर जो है वो हमारा उतना ही रहता है या फिर घट जाता है। ये आप देखो प्रेशर जो है लगभग 1200 बार के आसपास बना हुआ है। अगर ये प्रेशर आपका घट जाता है यानी कि ड्रॉप हो जाता है तो फिर आपका प्लंजर में जो है कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रेशर हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा यानी कि हमारा जो प्लंजर है तीनों वो सही से काम कर रहे हैं। ये अब मैं आपको आरपीएम भी दिखा देता हूँ। ये आप देखो 150 के आसपास आरपीएम जो है इसमें है और इंजेक्टर भी जो है हमारा ऑन पोजीशन पे ही है। ये आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो हमारा अभी 0 bar दिखा रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो 0 bar इसमें प्रेशर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो रीडिंग है वो 300 आरपीएम पे हम लोग लेंगे वो कितनी आ रही है। ये हमने आरपीएम को लगभग 300 के आसपास सेट कर दिया। अब जो है अब इसकी हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी जो रीडिंग है वो आ रही है कितनी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो इसकी जो रीडिंग है वो लगभग आपको 80 के आसपास आ रही है। अब जो है अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है 1200 बार का जो प्रेशर है वो बिल्डअप कर लेते हैं और आरपीएम को हम लोग सेम 300 पे रखेंगे और चेक करेंगे कि इसकी जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है। ये हमने प्रेशर बना दिया, ये आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो हमारा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और ये हमारा जो प्रेशर है वो अब बन गया। ये आप देख सकते हो 1200 बार का प्रेशर बन गया और अब जो है अब मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाता हूँ। ये आरपीएम जो है हमने 300 पर रखा है, अब 1200 बार का जो प्रेशर है वो हमने बना लिया। अब चेक करते हैं इसकी रीडिंग जो है वो कितनी आ रही है। पहले जैसे कि हमने देखा 0 bar पे 80 के आसपास रीडिंग जो है वो इसकी आ रही थी। तो ये आप देखो इसकी जो रीडिंग है वो लगभग 45 के आसपास आ रही है इसमें। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 45 के आसपास आ रही है। आरपीएम जो है वो हमारा 300 है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।